यूं तो कोरोना वायरस ने सभी को डरा रखा है, लेकिन इसी वायरस ने कैची कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कोरोना वायरस के कारण आजकल चीन से आने वाले सभी प्रकार के सामान की आवाजाही पर एक तरह से रोक लग गई है। चीन से सामान न आने की वजह से अधिकतर उद्योग धंधों की गति धीमी पड़ गई है, लेकिन इसके उलट मेरठ के कैची उद्योग की धार और अधिक पैनी होती जा रही है। चीनी कैंची के इंपोर्ट पर रोक से मेरठ में बनी कैंची की डिमांड बढ़ गई है। कोरोना वायरस से कैची उद्योग डाउन होने की बजाय उछाल पर है। चाइनीज कैंची से मेरठ की कैंची उद्योग को हर साल काफी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन चाइना से कैंची के इंपोर्ट पर बैन के बाद अब वापस मेरठ के कारीगरों की कैंची की डिमांड बढ़ गई है। मेरठ का कैंची उद्योग का देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। यहाँ के कारीगरों के हाथ से बनी कैंची का कुछ साल पहले तक बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन पिछले 2-3 साल से चाइनीज कैंची का इंपोर्ट शुरू होने से देसी कैंची की पकड़ बाजार में थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। सस्ती होने के कारण बाजार में वो छा गई थी। उधर मजदूरी के लिए तरसने वाले मजदूरों के चेहरे पर चमक और मुस्कान दोनों है। उनका कहना है कि पहले काम नहीं था, लेकिन अब कोरोना वायरस ने उनके काम को तूफानी गति दी है। अब दिन रात काम कर रहे हैं। मेरा नाम सईद शेख के नाम से बोलते हैं और कैंची उद्योग महासचिव। अच्छा, इस कैंची उद्योग की जो कमर टूट गई थी, कैसे सुधरी, क्या कारण है अब जो आज पूरा कारखाना पूरी मार्केट कैंची बनाने में लगी हुई है? हमारी कैंची उद्योग की काफ़ी जब कमर टूटी थी, तो चाइना का जब माल हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ था, तो तभी हमारी सच कमर टूटनी शुरू हो गई थी। और जब चाइना फुल पावर पर माल अपना फेंकने लगा था, तो हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। आज जब से चाइना के अंदर बीमारी या ये वायरस चल रहा है, तब से कुछ अब महीने भर से हमारा उद्योग में कुछ चमक पैदा हुई है, और चाइना का माल कम होता जा रहा और हमारा माल बढ़ता चला जा रहा। अगर यही हालत चाइना की रही 10-20 साल, तो इंशाल्लाह हमारा जो है हिंदुस्तान और मोदी जी का नाम ऊपर जाएगा। चाइना नहीं, जितने विदेश हैं, इनसे हिंदुस्तान माल लेना बंद कर दे, तो कैंची नहीं, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो इनके अंदर से भुखमरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कोरोना वायरस जहाँ पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे मेरठ के कैंची बाज़ार पे क्या असर पड़ा है, कितना? हमारा जो वायरस ये पड़ा था अभी बीमारी का, उसमें कैंची उद्योग पे इतना फर्क पड़ा है कि हमारे कारोबार जो है वो अब चमकने शुरू हो गए हैं। कितने परसेंट कारोबार की बढ़त? पहले क्या हालत थी और अब कितनी बढ़त हुई? पहले 10% रह गए थे, 50% पे हम आ चुके हैं। 50% आ चुका था, तो डिमांड बढ़ रही है लगातार? डिमांड बढ़ रही है। किस किस कंट्री में माल जा रहा है? हमारा ये समझ लो कंट्री नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कैंची उद्योग मेरठ में ही मशहूर है, और कहीं नहीं बनती। ये तो बंटवारे के टाइम भी ये समझ लो कैंची उद्योगी हिंदुस्तान में रोका गया था, तो बाकी जो जा रहे थे जाओ। अब सब जगह से डिमांड आ रही है, अब हमारे हर मुल्क से एक्सपोर्ट हो रहा है, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता वगैरह से सब एक्सपोर्ट चालू हो गया। सब सप्लाई मेरठ से ही है, सारी सप्लाई। कितना प्रोडक्शन रोड डेली हो रहा है अब तो ये समझ लीजिए, पहले तो 1-2 लाख में कहानी रह गई थी, अब कम से कम करोड़ पे पहुँच रही पूरा उद्योग। करोड़ों कैंची रोज बन रही है? करोड़ों कैंची तो बनती है, लेकिन कम से कम महीने में 2 महीने में अब इतनी तो सप्लाई शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा किस कंट्री में सप्लाई हो रही है? सबसे ज़्यादा हमारी जो है कंट्री जो है तुम्हारा दुबई है, और तुम्हारा ईरान है, और तुम्हारा हमारा जो ज़्यादा कम माल जाता है तो वो जाता है जर्मन में। जर्मन में कम जाता, हमारा कैंची का उद्योग जो मुकाबला है तो जर्मन है।